कोरोना संक्रमण में आई तेजी से देश में फिर बड़ी दहशत। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियां और सख्ती बढ़ी। इस मार्च तक बढ़ाई गई होटल, मॉल, थिएटर, दफ्तर में 50% क्षमता की पाबंदी। रात में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम पर 31 मार्च से जारी रहेगी रोक। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी राज्यों के सीएम के साथ बुधवार से करेंगे चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाला। मुंबई में दादर बाजार में रखी जबरदस्त भीड़, कोरोना के खतरे से बेपरवाह नजर आए लोग। केरल में कोरोना का कहर, एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों और रसोईया समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में 24 घंटे में 900 से ज्यादा नए मरीज। 8 इलाकों में रात 10 बजे से खाने पीने की जगह और मॉल बंद करने के आदेश। मुख्यमंत्री ईश्वर पटेल कोरोना पॉजिटिव, 13 मार्च को लगवाया था कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद नहीं टला खतरा, डॉक्टर दंपति निकले कोरोना पॉजिटिव। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ा, क्लॉटिंग की शिकायतों के बीच जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी लगाई रोक। अब तक यूरोप के 12 देश लगा चुके हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड टीका। विवादों के बीच एस्ट्राजेनेका कंपनी की सफाई कहा मामलों पर रखे हुए हैं नजर, लेकिन क्लॉटिंग का वैक्सीन से नहीं कोई संबंध। WHO के एस्ट्राजेनेका के समर्थन में उतरा, कहा घबराने की जरूरत नहीं, टीके का साइड इफेक्ट नहीं है क्लॉटिंग। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 360 से ज्यादा नए मरीज। भोपाल में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर रोक, रात 10:30 बजे के बाद नहीं कोई कार्यक्रम। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूर। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए इस साल के सबसे ज्यादा 797 नए मरीज। भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए कोरोना। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा ने राज्य को लोगों को नियमों का पालन करने के लिए दिया है 17 मार्च तक का वक्त, आदेश नहीं मानने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में होने वाले अगले T20 मैच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीसीसीआई का फैसला। बंगाल चुनाव को लेकर बीती रात अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता आए थे, वेस्टर्न होटल में हुई मीटिंग। कार्यक्रम से कोलकाता आए अमित शाह, चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा की उम्मीद, उम्मीदवारों के नाम पर असर तो। पार्टी के आए नेताओं को टिकट दिए जाने से नाराज थे स्थानीय कार्यकर्ता। कोलकाता के साथ दूसरे शहर भी विरोध प्रदर्शन का कर रहे हैं सामना। बंगाल में सियासी सरगर्मियों का दिन, बांकुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। आखिर में करेंगे रैली, दोनों पार्टियों पर शक्ति प्रदर्शन। सीएम योगी पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में सभाओं को करेंगे संबोधन। बंगाल दौरे पर एक दिन में करेंगे 3 रैली। विकास रेणु अधिकारी ममता के नामांकन बजट आई आपत्ति, कहा 6 मामलों को एफिडेविट में छुपाए। आज नंदीग्राम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी, ट्वीट कर दीजिए। दुर्गापुर में पार्टी समर्थकों की भीड़ में खड़ी बच्ची से मिली ममता बनर्जी, पास बुलाकर की मुलाकात। बीरभूम में कारोबार पर चढ़ा सियासी रंग, खेला होबे वाला टी शर्ट सभी दलों के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। टीएमसी के बागी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को टिकट से नाराज थे कार्यकर्ता, टीएमसी नेता देवव्रत विश्वास के आने का भी विरोध। बांकुड़ा जिला कोर्ट में राजू झा ने किया सरेंडर, सुनवाई के दौरान फर्जी उपस्थिति लगाने के मामले में जारी। 26 मार्च को केस की अगली सुनवाई। पश्चिम वर्धमान जिले के विधानसभा के उम्मीदवार बनने की रेस में है राजू झा। 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे राजू झा, दुर्गापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा आने वाले दिनों में संसद में किसान मंडी लगाएंगे। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एम्बुलेंस से लाया गया पटना के सिविल कोर्ट, कई मामलों में चल रही है सुनवाई। मेरठ में सरदना नगर पालिका में हंगामा, अपने वार्ड की अनदेखी किए जाने के विरोध में एक सभासद ने किया आत्मदाह की कोशिश। में अपराधियों के एनकाउंटर पर ओवैसी की सियासत, कहा एनकाउंटर में मरने वाले 37% मुस्लिम। दिल्ली में फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत, संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी नाराज। करके बीजेपी पर सादा निशाना, लिखा लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा संसद में अलोकतांत्रिक बिल लाकर पीछे से दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश में है। के आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली बीजेपी का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया बिल, केजरीवाल नहीं चाहते संविधान।
संसद के सेंट्रल हॉल में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पशेको का अभिनंदन। पीएम मोदी समेत सभी सांसद इस दर्शक गिरजा में बैठकर पशेको ने देखी थी राज्यसभा की कार्यवाही। अंतर संसदीय संघ के दुनिया भर में 179 बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का दूसरा दिन निजीकरण के विरोध में कामकाज किया था। बुलेट पर स्टंट का वीडियो वायरल, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल। स्कूल के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, विरोध की वजह से डिप्टी सीएम और सांसद के आने का कार्यक्रम रद्द। श्री राम मंदिर निर्माण शुरू, वैदिक विधि से हुआ नींव भराई का पूजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपक राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास थे मौजूद। 40 फीट गहरी नींव तैयार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के लिए लगाए प्रतिबंध को हटाने को बताया जोखिम भरा, कहा कोरोना को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में की गढ़वाल कमिश्नर की तैनाती, कुंभ होने तक करेंगे हरिद्वार में कैंप, मेला प्रशासन करेगा सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट। केंद्र की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी, हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भास्कर कुमार दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप, टीएमसी ने इसे बीजेपी के आपसी गुटबाजी। सवाई माधोपुर में पुलिस ने शोएब हत्याकांड में एक शख्स को किया गिरफ्तार, तफ्तीश में मोबाइल लोकेशन से मिली। में पशु तस्करी के आरोपी रेहान का 3 मंजिला मकान सील, प्रशासन ने 21,50,000 की संपत्ति की कुर्की की कई नवे दे रंगे हाथ दबोचा गया, तहसीलदार विजिलेंस ने पकड़ा। नोएडा प्राधिकरण के अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, करोड़ों की जमीन कराई। लड़की के बेहोश होने वाले पर परिवार वालों ने किया हंगामा। पेट्रोलिंग गाड़ियां ग्रामीण थानों में खड़ी, 1.5 करोड़ का औचक बकाया, पेट्रोल डीजल देने से इनकार। दो गुटों में संघर्ष, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को लगी गोली, लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर, मरीजों को परेशानी। तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम लेने के लिए फर्जी बिल बनाने वाले गिरोह का खुलासा, अस्पताल के संचालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिन दहाड़े 15 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी में कैद। आया घर का झगड़ा, महिला को उसके साथ देखकर पत्नी ने किया हमला। एक शख्स की अजीब हरकत, वांटेड लिखकर पत्नी की तस्वीर दीवार पर। 50 लोग बीमार, बारात के खाने का सैंपल प्रशासन ने दिया जांच के लिए। नाइजीरिया केस में एसआई सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानून। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार, महाराष्ट्र में गृहमंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। शोपे मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सजाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकी मारे। क्रिकेट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 आरोपियों को दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो होना होगा हाजिर। गौरपुर में सरजाती सामूहिक विवाह का आयोजन, कस्बे के अरब पति ने भी अपने बेटे का विवाह यहीं कर। हरिद्वार के पास शताब्दी ट्रेन अंगीकार में, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का जल गया था सामान लेकिन नहीं टूटा हौसला। ट्रेन में सवार 8 तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने हादसे के बाद किया शानदार प्रदर्शन, जीते कई पदक। कैदियों के पुनर्वास की पहल, पेट्रोल पंप चलाने की दी गई जिम्मेदारी। ने सार्थक एडुकेशन का आयोजन, कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने किया केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टॉल का उद्घाटन। अररिया में आग में झुलसकर एक युवती समेत 2 की मौत, परिवार। अमरोहा में 2 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, 200 लीटर शराब। कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। समय शराब की सैकड़ों बोतल नष्ट, कोर्ट के आदेश के बाद समय शराब कारोबारी के खिलाफ रेड जारी, नेपाली शराब के 96 बोतल ने जब्त। बरेली में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अन्य मनुष्य के सचिव ने दर्ज करा। धान के प्रचार में जुटे उम्मीदवारों पर सख्ती, धारा 44 का उल्लंघन करने पर कई गाड़ियां सी। एक युवक की बिरयानी की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 के खिलाफ तफ्तीश शुरू। तफ्तीश का वीडियो वायरल, कम तेल देने पर ग्राहक और पेट्रोल कर्मचारी के बीच हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार, एक चकमा देकर फरार। म्यांमार में तख्ता पलट की बात नहीं थम रही, हिंसा अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की। म्यांमार के यांगोन में चलाई गई चीन की फैक्ट्री, चीन। म्यांमार में यांगोन समेत 6 जिलों में बुरा हाल, प्रदर्शन के दौरान रविवार में 38 लोगों की गई जान। कराची में रिमोट कंट्रोल से बम धमाका, सोमवार को किए गए धमाके में पैरामिलिट्री का एक जवान शहीद, 8 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका, 15 लोग घायल।